गुड आफ्टरनून ऑफ क्लास 11th. सो 11th क्लास बेटा हम पहले चैप्टर की मिसलेनियस पे डिस्कस कर रहे थे. लास्ट टॉपिक चल रहा था अपना, लास्ट एक्सरसाइज थी मिसलेनियस थी. बेटा मिसलेनियस का पहले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था और सेकंड क्वेश्चन पे बेटा इसमें कह रहे हैं इशू द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल. बेटा कौन सा कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स है ये आपको बताना है. इस फर्स्ट पार्ट दे दिया ट्राई एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड ए बिलोंग टू बी. Then कह रहा है टैक्स बाउंड. सो ये तो बेटा क्या होगा बिकॉज ए एंड बी बेटा होता है करेक्ट. क्या होगा ए सबसेट भी होगा क्योंकि आप जानते हैं एलिमेंट के साथ से हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा हम बिलोंग टू का साइन और सेट के साथ में क्या यूज करते हैं बेटा सबसेट. अब ये ए और बी बेटा दोनों सबसेट हैं तो इसके साथ में बिलोंग टू का तो साइन आना ही नहीं चाहिए ना. तो इसका मतलब ये बेटा स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉल्स. ठीक है फिर क्या है सेकंड पार्ट. जैसे सेकंड कह रहा है इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग टू सी देन ए बिलोंग टू सी. बेटा फिर वही चीज बी और ए क्या है एलिमेंट होना क्या चाहिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स. डायरेक्शन क्या है कि बी सब्जेक्ट क्या हो सी एंड और ए सब्जेक्ट क्या हो सी तब तो राइट होगा. तो ये तो आपको करना है बेटा ये आप करेंगे. ठीक है किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है वो मेरे से डिस्कस करेंगे. मैं अदर पार्ट देख रहा हूँ ट्रू फॉल्स आपको बताना है. ठीक है सेकेंड क्वेश्चन डन. थर्ड क्वेश्चन के बाद दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सम. थर्ड क्या है एबीसी इज अ सेट सच दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट गिवन क्या है ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है ए यूनियन सी and A intersection B equal to क्या है A intersection C. तो हमें प्रूव करना है B. आप इसके बाद में इसके बात करेंगे समझ. तो ये दो कंडीशन दे दी है कि A यूनियन B इक्वल टू है A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या है A इंटरसेक्शन C. तो क्या है ये ठीक सब प्रूव इट में सबसे पहले हमने क्या कह दिया A यूनियन B इक्वल टू क्या लिखा A यूनियन C बी और सी आना है. तो बेटा ये हमारे पास गिवन था और आपने क्या किया इन दोनों में इंटरसेक्शन इन दोनों में आप क्या करते हैं ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या है करके बी अप्लाई करते हैं. जब ये हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ए यूनियन बी. आप ये तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरसेक्शन बी पर. आपको इनिशियली प्रॉपर्टी पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए. क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या होगा इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये बेटा क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या हो जाएगा सी इंटरसेक्शन. प्रॉब्लम अब आपको क्या करना है समझ लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी तो एज इट इज रखो यूनियन. बेटा बी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो बी और बी में कॉमन क्या होगा बेटा इसको क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन. बेटा इसको सी इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन सी हो आप जानते हैं यूनियन और
सेटिस्फाई होती है तो C इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन C भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से सब लिखो, दैट्स द मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन B। बेटा A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ? A और B के कॉमन एलिमेंट, बेटा जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो B में भी तो प्रेजेंट होंगे, तो इस टोटल का मतलब बेटा क्या हुआ? यानी कि B तो B इक्वल टू क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B यूनियन ये क्या हो गया? B इंटरसेक्शन C। इसे दे दिया क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम दे दिया। अब दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल्स वगैरह कभी नहीं लेने, ये सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बेस पे होंगे। अब सच दैट दो वाला दिया है, ए यूनियन और ए यूनियन बेटा अभी हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? बी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? B equal to C ना है। आप दोनों तरफ आप क्या कर दो? इंटरसेक्शन, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटरसेक्शन C लगा दिया मैंने, दोनों इक्वल किए, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब से कितने हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी? तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या होगा? A इंटरसेक्शन C यूनियन बेटा इसमें समझे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा? सी ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ए इंटरसेक्शन सी का मतलब कॉमन एलिमेंट, और फिर यूनियन सी है तो कॉमन होगा वो सी में प्रेजेंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सी। आप देखो क्योंकि आपने क्या इसका स्पेस का तो यूज ही नहीं किया, आपके पास बेटा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? अगर ए इंटरसेक्शन सी है तो आपको क्या करना है समझे जरा, तो आपको क्या करना है ये दोनों बेटा इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन सी की प्लेस पे क्या मतलब कर दिया? ए इंटरसेक्शन यूनियन ये क्या हो गया आपका? ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 वी कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बेटा इसमें बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू भी ये है, इसका मतलब दोनों को कंपेयर किया तो क्या हो गया? हेंस एनी प्रॉब्लम? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of this exercise, most important. That's clear? Okay, bada? समझ गए क्या? चलो फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इस पे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन फोर्थ पे डिस्कस करते हैं, समझ लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बात करते हैं बेटा, समझे? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। आपसे कह रहा है सो द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट, सो गिवन कंडीशंस ऑफ इक्विवेलेंट of first part A substitute B, second है A minus B phi, third है A union B, fourth है A intersection B। बड़ा ग्रुप एट में सबसे पहले हम फर्स्ट को सेकंड को जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, मतलब समझे एक्स बिलोंग टू ए देन टेंड्स टू क्या होगा? एक्स बिलोंग टू, इफ वाई बिलोंग टू बी है तो
गेस योर नेम बॉय फ्रॉम बॉय बट बॉय डज नॉट नो मतलब ए में बहुत एलिमेंट है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एक्स नॉन टू ए एंड एक्स वाई बोथ नो अब इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी की बात करें तो एवरी एलिमेंट कैंसिल होगा सो ए माइनस बी क्या होगा देन फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या हुआ बेटा इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या हो गया सेकेंड देन आफ्टर वी कैन प्रूव दैट देन आफ्टर वी कैन प्रूव दैट सेकेंड टू थर्ड देखिए सेकेंड टू थर्ड का कैसे करेंगे तो समझे सेकेंड क्या है ए माइनस बी इक्वल सेम प्रोसेस ए माइनस बी फाइव इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव नॉन एलिमेंट तो एक्स वाई बिलोंग टू बी बट एक्स बिलोंग टू ओनली ए तो इसका मतलब जो यूनियन होगा यूनियन का मतलब क्या होता है मैक्सिमम एलिमेंट सो इसका मतलब क्या हुआ एक्स वाई बिलोंग टू क्या होगा बेटा ए यूनियन बी कंबाइन कर दिया इसका मतलब अब ए यूनियन बी हो गया तो दोनों की कंपैरिजन किया तो ए यूनियन बी क्या हो गया बेटा ए यूनियन बी सेम प्रोसेस हम किस पे बात करें बेटा थर्ड टू फोर्थ की अगर बात करते हैं थर्ड टू फोर्थ कैसे में इक्विवेलेंट प्रूफ करने तो देखिए सर ए यूनियन बी कितना था बी इसका मतलब क्या हुआ एक्स वाई नॉन क्या है बी एक्स नॉन क्या है बी अब दोनों में कॉमन क्या हो गया ए तो एक्स नॉन क्या होगा ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा ए इंटरसेक्शन और ठीक है दिस इज